गुड मॉर्निंग। आज का जो रिवीजन लेक्चर है उसका पहला डिस्कशन हम लोग करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। आपको लॉ में मालूम होगा कि इंडिया में आप प्रेफरेंस शेयर जब भी इशू करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ता है। आप कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो आपको एंड इफ दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मानते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर को, तो वो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के साथ लिखी रहती है। और मान लीजिए आपने शेयर इशू किया और आपकी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100,000 रुपए में लिखी हुई है। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है या तो वो क्यूमुलेटिव होता है या नॉन क्यूमुलेटिव होता है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट ना होने की वजह से हम लोग इनको डिविडेंड नहीं दे पाए तो वो डिविडेंड, जैसे इस केस में मान लो ये 1920 वाला साल है और 1920 वाले साल में हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, हम इनको डिविडेंड नहीं दे पाए और ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोल के इशू किया गया था, तो वो जो 10,000 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड है वो अरियर बन जाता है। अरियर, माइंड दिस वर्ड, नॉट आउटस्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, अरियर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में लिखा जाता है। तो हम लोग बोलते हैं 10,000 रुपीज इज अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इट इज शोन एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इन द नोट्स टू द बैलेंस शीट। रियल लाइबिलिटी आप नहीं बना सकते क्योंकि अगले साल भी डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे वो प्रॉफिट पर ही डिपेंड करेगा। तो क्योंकि एक प्रॉफिट होना या नहीं होना कॉन्टिंजेंसी है इसलिए इसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। नाउ ये तो हो गया तुमको डिविडेंड का, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का बात। अगर यही डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर होता तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ हम डिविडेंड नहीं देंगे और वो डिविडेंड डूब जाएगा, अरियर नहीं बनेगा। मतलब अगला साल अगर प्रॉफिट होगा तो हम एक ही साल का डिविडेंड देंगे वो अगले साल का। क्यूमुलेटिव के केस में क्या होता है, अरियर बन जाता है, अगले साल प्रॉफिट होने से फिर 2 साल का डिविडेंड देना पड़ता है, 2 साल का अरियर हो जाएगा उसके अगले साल प्रॉफिट होगा तो फिर 3 साल का डिविडेंड देना पड़ता है क्यूमुलेटिव के केस में। नॉन क्यूमुलेटिव में जिस साल डिविडेंड नहीं दे पाए उस साल डूब गया, अगले साल खाली अगले साल का डिविडेंड देंगे। लेकिन आज का एजेंडा वो नहीं है। आज चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मान लो हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 1/4/10 को, हम लोगों ने लाइफ रखा था 10 इयर्स का। 1/4/21 को हम लोग इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने वाले हैं। रिडीम करना माने इनको पैसा वापस देना है। तो अगर हम इनको रिडीम करने वाले हैं, पैसा वापस देने वाले हैं, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अपना कमिटमेंट क्या था। मतलब अपन उनको क्या बोले थे कि हम तुमको रिडीम कैसे करेंगे। अगर हम रिडीम पार पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे या डिस्काउंट पे करेंगे, तीन ही ऑप्शन है। डिस्काउंट पे रिडेम्पशन लीगली लॉ में आज के दिन अलाउड नहीं है लेकिन क्वेश्चन पेपर में दे सकता है तो हम लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। तो मान लो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने वाले हम लोग पहले पार पे, तो कैसा एंट्री आता है आप यहां पे देखिए। पहला एंट्री आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,00,000। फिर एक एंट्री आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,00,000। अब एक डिस्कशन आएगा जो कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वी से द डिस्कशन अबाउट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR। भाई क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100,000 रुपए का रिडीम किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गया। कंपनी लॉ बोलता है कि अगर आप कैपिटल कम करते हैं, चाहे बाईबैक की वजह से कम करें जो कि ग्रुप 2 के रिवीजन में आएगा, चाहे प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन की वजह से कम करें, आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। हालांकि उसका एक अल्टरनेटिव है जो 2 मिनट के बाद हम आपको बताएंगे। तो अभी कंपनी लॉ ने बोला आपको CRR बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन जब बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना है, यूज नहीं करना है, क्रिएट करना है। तो लोगों ने बोला कि कैसे क्रिएट करें,
बोला टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व लिखना और क्या, 1,00,000 रुपया का। तो बोला ये 1,00,000 कौन सा अमाउंट है, ये वाला अमाउंट जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा जितना कम हुआ है वो वाला अमाउंट। तो बोला जी किससे CRR बनाएंगे, तो उन्होंने बोला एनी फ्री रिजर्व्स। मैं रिपीट करता हूं, एनी फ्री रिजर्व्स मतलब आप जनरल रिजर्व से बना दीजिए, रेवेन्यू रिजर्व से बना दीजिए, PL से बना दीजिए, कोई भी फ्री रिजर्व से बनाना पड़ेगा। और सर फ्री रिजर्व का क्या नॉलेज है, एनी रिजर्व दैट इज अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, वो लॉ के टीचर लोग आप लोगों को टाइम टू टाइम बताएंगे। अकाउंट्स में बस यही मानने से चल जाएगा कि या तो जनरल रिजर्व से या रेवेन्यू रिजर्व से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको CRR बनाना पड़ेगा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कैन सिक्योरिटी प्रीमियम बी यूज्ड टू क्रिएट CRR, आंसर इज नो, नॉट इन द केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बट यस बाईबैक का जब चैप्टर ग्रुप 2 में पढ़ोगे तो वहां सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व माना जाता है और CRR बाईबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करके बनाना अलाउड है। सो ये तीन जर्नल एंट्री का स्टोरी है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, इफ द रिडेम्पशन हैपेंस एट पार। पार अब अगर मान लो किसी कंपनी ने बोला कि सर हमको CRR नहीं बनाने का मन है, मेरे पास क्या अल्टरनेट है, या मान लीजिए सर मेरे पास ना फ्री रिजर्व्स में ये सब बैलेंसेस नहीं है, मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो लॉ ने बोला आपको फ्रेश इश्यू लाना पड़ेगा, आपको फ्रेश इश्यू लाना पड़ेगा कैपिटल का, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ले आओ चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल का ले आओ, फ्रेश इश्यू लाना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश इश्यू 1,00,000 रुपया तक का ले आते हो तो आपको CRR 1 रुपया भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1,00,000 से कम मान लो 80,000 का फ्रेश इश्यू लाते हो, 80,000 का, तो आपको 20,000 रुपीज CRR बनाना ही पड़ेगा। और अगर 1,00,000 से ज्यादा का ले आते, 1,05,000-6,000, तो कोई CRR बनाना नहीं पड़ेगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव CRR। तो ये एक कहानी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका फ्रेश इश्यू प्रीमियम में आया, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट डेबिट 84 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 14, अगर आप फ्रेश इश्यू ऐसा लेके आते हैं तो आप यह मत समझिएगा कि हम लोग 84,000 को फ्रेश इश्यू मान लेंगे और आपको बोलेंगे 16,000 का CRR बना दो। नो, यह सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर करना पड़ेगा फॉर कंसिडरिंग या फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ CRR, कैपिटल देखना पड़ता है। हम लोग इसमें बोलते हैं कैपिटल और बैंक विच एवर इज लोअर, डिस्काउंट में आपको समझाएंगे हम, बट स्टिल कैपिटल देखना पड़ता है। तो आपको बोलेंगे कि 1,00,000 का आपने प्रेफरेंस या रिडीम किया ना, 70,000 आपने फ्रेश इश्यू लाया ना, 30,000 का CRR बना लो। अब सोचो अगर आप फ्रेश इश्यू पार पे लाते हो, पार पे, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इट सिंपली 40,000 रुपीज, ईजी है, क्योंकि पार में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट में शेयर इशू लाते हो, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट डेबिट 44,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, अगर आप डिस्काउंट में इक्विटी शेयर लाते हो तो CRR कितना बनाना पड़ेगा। तो इसमें फंडा याद रखिएगा, कैपिटल और बैंक विच एवर इज लोअर, तो 44,000 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर 44,000 आपका फ्रेश इश्यू है, 1,00,000 आपका कैपिटल रिडेम्पशन है, तो आपको 56,000 रुपीज का CRR बनाना पड़ेगा। सो ये एक तो कॉन्सेप्ट है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का। तो अब मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि प्रेफरेंस शेयर का जब भी रिडेम्पशन होता है CRR बनता है, उतना ही अमाउंट का CRR बनता है जितना आपने कैपिटल रिडीम किया है। अगर आपको CRR बनाने का मन नहीं है तो आपको फ्रेश इश्यू लाना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश इश्यू प्रीमियम में ला रहे हो तो प्रीमियम इग्नोर करके CRR कंप्यूट होगा, और अगर आप फ्रेश इशू डिस्काउंट में ला रहे हो तो जितना पैसा आपके घर में आया है उसको कंसीडर करके CRR कंप्यूट होगा। नाउ
प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन का एक दो एस्पेक्ट और है कि भाई ड्यू डेट आता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग जब इश्यू करते हैं तो उसी समय शेयर होल्डर लोगों को बोल देते हैं कि आज के 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद हम आपका प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे, तो इट्स आर कमिटमेंट टू पे देम बैक एंड देयरफॉर रिडेम्पशन हैपेंस। बट एज बिकॉज रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल इज हैपनिंग, वी आर क्रिएटिंग CRR एज रिक्वायर्ड बाई कंपनी लॉ। नाउ अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई कंपनी का कमिटमेंट प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का प्रीमियम में था, मतलब कुछ इस तरह का स्टोरी था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1,00,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 12,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,12,000। मतलब जब 10 साल पहले हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया था तब हमने उनको बोल दिया था कि हम आपको 1,12,000 रुपया वापस देंगे, 12,000 प्रीमियम हम एक्स्ट्रा देंगे आपको। सो ये जो प्रीमियम का स्टोरी है इसको लेकर के एक दो लाइन का मेरा डिस्कशन है, और अभी हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको लेकर के जो व्यू भी चेंज किया वो भी मैं आपको रिविजन में बता देता हूं। क्लास में भी मैं वॉइस नोट देके बताया था, अभी फिर से बता देता हूं। तो ये अभी जो 1,12,000 है, आप 1,12,000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दीजिए, कर दिए तो रिडेम्पशन हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रीपेमेंट हो गया, काम खत्म। अब आप CRR बनाने के बारे में सोच लीजिए, तो CRR तो इस 1,00,000 रुपया का बनता है, उसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लॉस को किससे एडजस्ट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज डिबेंचर ऑल्सो। डिबेंचर के चैप्टर में फिर से बोलूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने नहीं देंगे। तो सर और किसको यूज करें, बाकी किसी को भी कर लीजिए, कोई भी रिजर्व यूज कर लीजिए। मैं तो बोलूंगा जो फ्री रिजर्व आपके पास है ना, जनरल रिजर्व, PL, रेवेन्यू रिजर्व, उसमें से किसी को भी यूज कर लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने नहीं देंगे। तो आप एक एंट्री आराम से मार लीजिएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 12,000। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए अलाउड नहीं रहा। सो ये पॉइंट है डिस्कशन का। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट में रिडीम करने का क्वेश्चन आ गया, मैंने आज तक नहीं देखा कंपनी लॉ में, मैंने आज तक नहीं देखा इंस्टीट्यूट ने कभी सम दे दिया हो, पर मान लो एक तो क्वेश्चन आ ही गया और बोला आपको जर्नल पास करो, इवन दो इट इज अगेंस्ट द लॉ, पर अगर क्वेश्चन में एंट्री पास करने आ गया तो देखो कुछ इस तरह का सीन होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 96,000 टू डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 4,000। अगर बाय चांस कभी आ गया तो 96,000 का आप पेमेंट कर दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल का आप CRR बना दिए, इस प्रॉफिट का क्या करेंगे? आंसर इज दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सर कैन दिस हैपन? आंसर इज नो, बट इफ दिस हैपन्स इन द क्वेश्चन पेपर इट विल गो टू कैपिटल रिजर्व। हाँ, एक दो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने CRR के बारे में क्या बताया, क्योंकि कैपिटल कम हो जाता है CRR बनता है। मैंने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के बारे में क्या बताया कि भाई अब सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लॉस को एडजस्ट करने नहीं देंगे, तो बाकी किसी भी रिजर्व से कर दो, GRPL रेवेन्यू रिजर्व से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा अगर क्वेश्चन में और कुछ भी बोलता है वो लॉ का बात नहीं है, वो रुपया का बात है। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन में बोलेगा कंपनी को रुपया चाहिए, उसने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट आ गया। मान लो बैंक अकाउंट डेबिट 44,000 टू इन्वेस्टमेंट 40,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000।
अब इसका ना रिडेम्पशन से कोई मतलब नहीं है, इसका सीआरआर से कोई मतलब नहीं है, इसका सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रोमो प्रीमियम रिडेम्पशन से कोई मतलब नहीं है। ये तो कंपनी के पास पैसा नहीं था तो कंपनी ने पैसा जुगाड़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट बेचा, वो अपना बिल्डिंग बेचे, प्लांट बेचे, स्टॉक बेचे, कुछ भी बेचे, उसको पैसा चाहिए, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है, पैसा चाहिए, पैसा जुगाड़ कर रहा है। तो सर इससे सीआरआर में इंपैक्ट नहीं आएगा? नो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में इंपैक्ट नहीं आएगा? नो। कोई मतलब ही नहीं है, ये खाली रुपया चाहिए था उसने इन्वेस्टमेंट बेचा। तो अगर इन्वेस्टमेंट बेच करके रुपया जुगाड़ करता है तो उसका सीआरआर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेश इश्यू करके, शेयर इश्यू करके आप अगर रुपया जुगाड़ करते हो तो जो फ्रेश इश्यू आ गया तो आपका उतना रुपया से सीआरआर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको सीआरआर नहीं बनाना तो इशू लाना पड़ता है शेयर का। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में जब आप शेयर इशू लाओगे ना, फ्रेश वाला शेयर इशू होना चाहिए। इक्विटी शेयर का इशू भी चलेगा, प्रेफरेंस शेयर का इशू भी चलेगा, डिबेंचर का इशू नहीं चलेगा। इट हैज टू बी ए कैपिटल रेस्ड, और प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन होने के पहले फ्रेश इशू आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कैपिटल और बैंक विच एवर इज लोअर देखा जाता है सीआरआर का अमाउंट कंप्यूट करने के लिए। तो ये दो बातें देख लीजिएगा, और फिर से बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट बेचने से सिर्फ रुपया आता है, रिपीट, सिर्फ रुपया आता है, सीआरआर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं नटसेल पे आपके सामने चार पांच एंट्री मारूं तो देखो, एक एंट्री है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल, ये इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री हो गई प्रॉफिट में, रुपया चाहिए था रुपया जुगाड़ किए। एक एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी ने फ्रेश इशू करके भी रुपया जुगाड़ किया। मान लो मैं अमाउंट आपको लिख के देता हूं, 44, 40, 4, सब ऐसे ही फिगर ले रहा हूं अपने मन से, मान लो 56, 50, 6। फिर मान लो प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन का ड्यू एंट्री मारे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 11,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,11,000, ये तीसरा एंट्री हो गया। फिर चौथा एंट्री में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,11,000। पैसे दो दो जगह से आ गए थे, कुछ अपने पास भी पैसे पड़े होंगे, यहां देखिए 56,000 आ गया, यहां 44,000 आ गया, 1,00,000 रुपया तो यहीं से आ गया, और कहीं पे रुपया उपया पड़ा होगा बैंक में, कहीं से भी उसको यूज करके दे देंगे, पेमेंट कर दिए। अब आइए इस प्रीमियम को एडजस्ट करने का स्टोरी, अभी अभी बोले फिर से बोलता हूं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम या पहले से जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में है उसको यूज करना मत। मेरे बहुत सारे सम्स में, क्लास में हम उसको यूज करवा के सम बनाए थे, क्योंकि पहले यूज करना अलाउड होता था, अब आप उसको यूज करना मत। तो आप क्या करना, कोई भी जनरल रिजर्व, कोई भी पीएल, कोई भी रेवेन्यू रिजर्व में बैलेंस हो, किसी को भी यूज करके टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मार लेना 11,000। अब छठा और आखिरी एंट्री आता है सीआरआर बनाने का। तो सीआरआर कैसे बनेगा, कहां कहां सर्कल करेंगे, एक इस अमाउंट पे और एक फ्रेश इशू वाले अमाउंट में, कैपिटल और बैंक विच एवर इज लोअर। तो 1,00,000 का रिडेम्पशन है, 50,000 का फ्रेश इशू है, तो 50,000 का सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर किसी भी फ्री रिजर्व से बन जाएगा, ये रिवैल्युएशन रिजर्व नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व है, जनरल रिजर्व का एक तरह से दूसरा नाम है। अगर एक डिसेंट टाइप का क्वेश्चन होगा ना तो मैक्सिमम ये 6 जर्नल एंट्री आएगा। ये 6 जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपको एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट पोस्ट रिडेम्पशन का बनाना पड़ेगा, जो आप शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाइएगा। शेड्यूल 3 फॉर्मेट मींस वर्टिकल फॉर्मेट, जहां लायबिलिटी साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, उसके तीन बड़े बड़े पिलर हैं, इक्विटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। फिर असेट साइड है, असेट साइड के दो बड़े बड़े पिलर हैं, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। रिवीजन मैंने कई बार कराया इसका क्लास में,
3, 4, 4, 5, 6 का फॉर्मेट में आइटम दिखाया जाता है। इक्विटी में 3 आइटम आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 आइटम आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करेंट लायबिलिटीज में भी वही 3-4 आइटम आता है, खाली डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह एक ट्रेड पेएबल आ जाता है। फिर असेट साइड में 5 आइटम आता है नॉन करेंट असेट में, और करेंट असेट में 6 आइटम आता है। नॉन करेंट असेट का 5 आइटम में क्या आएगा, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है, एक डिफर्ड टैक्स असेट आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है, फिक्स्ड असेट आता है, सबसे पहला वाला तो भूल ही गए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, और अदर नॉन करेंट असेट आ जाता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहला, डिफर्ड टैक्स असेट दूसरा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तीसरा, दूसरा और तीसरा ऊपर नीचे हो सकता है मेरे से, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट असेट्स। करेंट असेट में 6 आइटम आता है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, फिर तुम्हारा अदर करेंट असेट्स है, और सबसे पहले करेंट इन्वेस्टमेंट आता है। तो अरेंजमेंट का काम जो है आप शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट से आप देख लीजिएगा, किसको सबसे ऊपर किसको सबसे नीचे लिखना है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको दिखा दूंगा, जब मैं कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन कराऊंगा तब मैं आपको वो दिखला दूंगा, आपको ऐसे याद होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का रिवीजन। थैंक यू।